गलती है हमारी तुमसे। पिताजी आप आदेश करें। अगर उत्तर और दक्षिण का मतभेद खत्म हो जाए तो इस भूमि में अखंडता आ जाएगी। अखंडता? मैं कुछ समझा नहीं। मान्याखेट और मालवा की नफरत को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। आज ही पहचान हुई है हमारी, नए नए मित्र हैं, लेकिन आप चाहें तो अपना दर्द बांट सकती हैं मेरे साथ। वचन देता हूं, मान्याखेट और मालवा की शत्रुता को मिटाने के लिए अगर अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ी तो अवश्य दूंगा। गुरुदेव, यशस्वी भव तैलब राज। यही हमारे लिए बहुत है। हमने आपकी कुशलता की दिन रात कामना की। आपने हमारी कुशलता के लिए कामना की, आपका धन्यवाद। आपको शत्रु ने कोई कष्ट तो नहीं दिया ना? बंदी होने का अपमान सहने से बड़ा क्या कष्ट होगा? एक राजा के लिए आपका कहाँ है? हमें उनसे अभी इसी वक्त मिलना है। अभी थोड़ा समय विश्राम तो कीजिए। अभी हमारी जरूरत मान्याखेट को है, हम आपसे आके मिलते हैं। महाराज, कोठा जलने के बाद से कोशा और मौसी का कोई सुराग नहीं, किसी ने उन्हें नहीं देखा। तलाश जारी रखिए प्रधान। जी महाराज, पता चलते ही सूचना दूंगा। कोठे के बाहर अभी तक पहरा है। बड़ी कठिनाई से सामान लेकर आई हो, पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा। एक बड़ी खबर लाई हूँ तेरे लिए। सुना है तैलबराज वापस आ गए। क्या कहा? फिर से कहो। जब खाने का ये सामान लेने गई थी तो सुना कि तैलबराज वापस आ गए। ओ मौसी, उषा कहाँ जा रही है? कोशा रुक, मौसी हमें उनसे मिलना होगा अभी इसी वक्त। मत मारी गई है तेरी, किसी ने पहचान लिया ना तो मार दी जाएगी। लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? अगर कोई हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है ना तो वो सिर्फ तैलपराज है। पागल मत बन कोशा,
मेरी कसम है तुझे, अगर एक कदम और तूने आगे बढ़ाया तो मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं, ऐसी सजा मन तो मौसी, कसम वापस ले लीजिए मौसी। अका, अका कहां चली गई? चिंतित हो या चिंतन में हो कविराज? इस नफरत को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? जो सपनों में नहीं होने वाला, जिसकी कई हजारों सालों में होने की कोई संभावना ही नहीं है। कैसी संभावना? ये हो ही नहीं सकता। यही कि मानिकेट की राजकुमारी मृणाल हमारे मालवा के महाराज पृथ्वी वल्लभ से प्रेम कर बैठे। क्षमा करें, अगर राजकुमारी मृणाल आपसे प्रेम करने लगे तभी समस्या का हमेशा के लिए समाधान होगा। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या विशेष कार्य है। यक्का ने हमारे आने की प्रतीक्षा तक नहीं की, सुलोचना की भी कोई खबर नहीं है। भिलमराज, ऐसा किसी को बिना बताए यक्का का जाना चिंता का विषय है। आप चिंता ना करें, कभी कभी परिस्थिति प्रतीक्षा का भी अवसर नहीं देती। वो जहां कहीं होंगी सकुशल होंगी, विश्वास करें। सुलोचना भी दिखाई नहीं दे रही, ये सब कहां चली गई? सैनिक आ जाएंगी दीदी, उन्हें लेकर इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो पूरे मान्यखेत का ख्याल रखती है वो स्वयं का भी ख्याल रख सकती है। अका बिना बताए कहीं नहीं जाती, जाओ उन्हें ढूंढो और तुरंत हमें सूचना दो। जी महाराज। किसी को कुछ तो कहा होगा उन्होंने। हमें लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। कब तक पहुंचेंगे हम? यह हवा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं राजकुमारी। दिशा यंत्र देखो और आगे बढ़ते चलो। विपदी धैर्य मथा युधे क्षमा, सदसी वाक पटुता युधि विक्रमः, यशसी चाभी रुचिर व्यसनम श्रुतो, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मना। अर्थात विपत्ति काल में जिनके पास धैर्य, ऐश्वर्य में क्षमा, सभा में बोलने की कुशलता, युद्ध भूमि में शौर्य और जिनकी विशेष रुचि आसक्ति अध्ययन और यशकार्य में होती है, वे महान होते हैं। अद्भुत श्लोक है ना पिताजी? कितने कम शब्दों में कितनी गूढ़ बात कहती है ना। क्या हुआ पिताजी, किसी गहन चिंतन में लग रहे हैं? कोई चिंता है मन में? पृथ्वी, चिंता तो है, वो भी एक नहीं, एक तरफ मालवा और मान्यखेट की दुश्मनी जिसके बीच मैंने ही बोए हैं, अपराध किया है, और दूसरी तरफ हमारे कुल की डगमगाती नौका है। मेरे कर्मों ने तुम्हारा दायित्व बढ़ा दिया है पृथ्वी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? सत्य कह रहा हूं पृथ्वी, तुम्हें ना केवल मालवा और मान्यखेट की शत्रुता मिटानी है, दूसरी तरफ परिवार को भी साथ लेकर चलना है।
बाहरी और आंतरिक दोनों मोर्चों को कुशलता से संभालना पड़ेगा पृथ्वी। मान्यखेट की शत्रुता का भान है मुझे, लेकिन आप ये किस आंतरिक समस्या की बात कर रहे हैं? सिंधु की चिंता है हमें। हमें ऐसा लगा कि उसने तुम्हारा राजा बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने ऐसा स्वीकार नहीं किया और स्वयं को मदिरा में डुबोकर बर्बाद कर लिया है। जो अपने को मदिरा में डुबो देता है, वो अपने साथ साथ अपने कुल को भी डुबो देता है। आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। सिंधु की उंगली पकड़कर उसका मार्गदर्शन करना, उसकी मदिरा छुड़ाकर उसको मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि वो अपने परिवार और राज्य का ध्यान कर सके। आश्वस्त रहिए आप, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा उसे। गर्व होगा आपको उस पर। ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। सभी गुप्तचर, सेनाध्यक्ष, किसी को भी मृणाल की कोई भी जानकारी नहीं है। ये कोई बात हुई, सबको परेशानी में डालकर गायब हो गई। अक्का ऐसा कभी नहीं करेंगी। उन्होंने जरूर कुछ सोचा होगा जो हमारी सोच के परे है। कुछ तो कहा होगा उन्होंने हमारे आने से पहले। उन्होंने मुझे तो सिर्फ आपको मान्यखेट सुरक्षित लाने का आदेश दिया था, बस। आश्चर्य है गुरुदेव, आपको भी नहीं मालूम। जिन्हें यहां तक पता होता है कि अक्का की तलवार किस तरह करें। तैलबराज, मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि आप मृणाल को केवल अपनी बहन के रूप में जानते हैं। आपने कभी यह समझा ही नहीं कि मृणाल के लिए उसकी सांसें चालुक वंश को सुरक्षित रखने के लिए चलती हैं। हम सबके जीवन से अधिक महत्व है उसके लिए। मान्यखेट का मान सम्मान। मैं इस बात से अनजान नहीं हूं गुरुदेव, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि अक्का के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ तो आभास होगा आपको। सचमुच मुझे कुछ नहीं बताया। मैं केवल इतना जानता हूं कि वो जहां भी गई है अपने मकसद को पूरा करने गई है। क्या करेगी, कैसे करेगी, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि वो जल्दी ही लौट कर आएगी। एक बार मालवा परास्त हो जाए बस। मदद। दैट आ गया राजकुमारी, हम अफ्रीका पहुंच गए। राजकुमारी, राजकुमारी उठिए, देखिए हम हमारे गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं।
नाव को तट की तरफ ले चलो। ये तुम क्या कर रहे हो सिंधु? नकारात्मक सोच और निराशावादी होने की शिक्षा नहीं दी है तुम्हें। अपनी विषमताओं और दुर्बलता से लड़ना सिखाया है सदा। पर मारवंश का युवराज यूं मदिरा में डूब के अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो रहा है? क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो तुम? ये आप क्या कह रही हैं माँ? परमार वंश, कैसा परमार वंश? केवल तमगा? हैसियत क्या है मेरी? राजा नहीं हूं, नाम का युवराज। इस राजवंश का बस उपनाम है। सिंधु, मदिरा, किसी भी समस्या का समाधान ना तो था ना होगा। देखो स्वयं को, अपनी मां के समक्ष ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। हाँ, मैं ही हूं सबके लिए समस्या। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग? जाइए, छोड़ दीजिए मुझे अकेला। क्यों छोड़ दे तुम्हें अकेला? तुम केवल एक उपनाम नहीं हो सिंधु, इस राजवंश का अभिन्न अंग हो, चिन्ह हो, इस राजवंश के अंश हो, मां और पिताजी के भाई हो मेरे। हमारे बंधन के धागे से बंधे हो तुम, और अगर तुम चाहो तब भी आजीवन स्वयं को इस बंधन से मुक्त नहीं कर पाओगे सिंधु। और हम में से तुम्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है ये। अच्छा यही होगा कि जब मदिरा का असर समाप्त हो जाए और ये थोड़ा संतुलित हो जाए, हम तब इससे बात करें। सिंधु, सिंधु, मदिरा का इतना सेवन ठीक नहीं है। तुम केवल युवराज नहीं हो इस वंश के, पिता हो, एक पति हो। अपने लिए ना सही, कम से कम इन संबंधों के लिए तो सोचो। इनके लिए तुम्हारा स्वस्थ रहना आवश्यक है। अच्छा उपहास है जो आता है, हमें हमें समझाने लग जाता है, हमें सुनता या समझता कोई नहीं। मैं सोच रहा था कि मुझको गुरुकुल से वापस बुलाने का समय आ गया है। यही उचित होगा, वही है जो हमें समझ सकता है। वो आंखों के सामने होगा तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। जानता हूं। उषा, 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 क्या कर रही है यहाँ? कहाँ जा रही है? जानना चाहती हूँ कि ये सुरंग आखिर निकलती कहाँ है? वहाँ पे खतरा हो सकता है, जान भी जा सकती है। कोशा, जान तो मेरी पहले ही जा चुकी है मौसी। Thank you.
दरवाजा राजमहल की ओर खुलता है। मौसी, मौसी, अब मुझसे सब्र नहीं होता। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप अपनी कसम वापस ले लीजिए मौसी। मैं महाराज को मिलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। आप अपनी कसम वापस ले लीजिए। ओशा, वहाँ तेरी जान को खतरा हो सकता है, तो कब तक यहाँ पर चुप कर बैठे रहेंगे? उन्हें पता भी तो चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। मौसी, कसम वापस ले लीजिए। मेरी एक शर्त है, तुझे मुझे वचन देना होगा कि तू इस गुफा के बारे में किसी को नहीं बताएगी, स्वयं महाराज को भी नहीं। मैं कसम लेती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं जाऊं? राजकुमारी को होश आ रहा है। राजकुमारी, हम सही जगह पहुंच गए। ये वही बस्ती है जिनके सैनिकों को आपने धन दिया था और अंतिम क्रिया कर उन्हें सम्मान। बीनू, अदुपे हो। ये आपसे माफी मांग रहे हैं, इन्होंने हमें पहचानने में भूल की थी। हम आपके ऋणी हैं। आपने जो कुछ भी हमारे योद्धाओं के लिए किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। कुछ खा लीजिए, आपके शरीर को इसकी जरूरत है। इनाया ने नहीं सही। ये बदला लेने और आपका साथ देने के लिए तैयार है। हमें बहुत सारे कुशल और शक्तिशाली योद्धा चाहिए। दुश्मन बहुत ही शक्तिशाली है। हमें हर तरीके के लड़ाकू सैनिक चाहिए। ओया, चले निकालो। ये हमें कहीं साथ चलने के लिए कह रहे हैं।
अगर जरा सी भी हरकत की तो गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। एहसान होगा आपका। और खुश नसीबी होगी हमारी। देर मत कीजिए महाराज, अब और तड़प तड़प कर जिया नहीं जाता। अगर हमने तलवार चला दी होती तो? काश कैसा होता, काश के आपकी निगोड़ी तलवार आपका कहना ना मानती, तो आज आपकी बाहों में मरना नसीब होता। तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, कोई देख लेता तो? आपको देख लिया ना, बस अब फिर हमारी कोई जान भी ले ले तो परवाह नहीं। इतना प्यार करती हो हमसे, हमारे लिए जान भी देने को तैयार हूं। आपको शक है? और अगर हम खुद तुम्हारी जान लेना चाहे तो? आपकी ख्वाहिश इस बंदी का नसीब है मेरे मालिक। आगे बढ़िए। आपने हमारी खबर भी ली कि हम जिंदा हैं या मर गए? तुम नहीं जानती इन दिनों हम पर क्या बीती है। हमें तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि हम जिंदा पहुंचेंगे या मरे आपके दुश्मन। दुश्मन तो मरेंगे ही, लेकिन अभी मैं जो मरा जा रहा हूं हम आपको मरने नहीं देंगे। हम चलते हैं। कोशा, कोशा तुम जाओगी कैसे? किसी ने देख लिया तो? महाराज अगर नहीं गए तो जरूर देख लिए जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तैलप राज, आप इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? मैं आपसे मिलने आया था। क्या, हमसे मिलने? आज शायद मुझे ज्यादा ही असर हो गया है या आप नशे में हैं?
मौसी, 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 कोशा, मौसी, वो हमसे आज भी प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं मौसी। कौन सी चिंता खींच लाई गुरुदेव? मेरी चिंता का विषय ऐसी कौन सी चिंता है गुरुदेव जो इतना संकोच कर रहे हैं? मेरी चिंता का विषय है सम्राट पृथ्वी वल्लभ के सामने भविष्य में आने वाली असंख्य चुनौतियों का। आप तो वर्तमान से लड़कर जीने वाले योद्धा हैं गुरुदेव, भविष्य की चिंता को लेकर आप कब से संघर्ष करने लगे गुरुदेव? संघर्ष है और ये संघर्ष तलवार और तलवार के ऊपर लिखी हुई कविताओं के बीच। स्पष्ट कहें गुरुदेव। मालवा को इस वक्त कविताओं की नहीं तलवार की आवश्यकता है। महाराज, एक आशंका मुझे कई दिनों से चैन की नींद नहीं सोने दे रही। ऐसा लग रहा जैसे आपके ऊपर बहुत भारी संकट आने वाला है। कहां से, किस तरफ से, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। आप पृथ्वी वल्लभ को सम्राट की भूमिका से अवगत कराने आए हैं। आपकी चिंता है कि कविताएं जीत जाएंगी और तलवार हार जाएगी। गुरुदेव, मालवा का शत्रु मालवा के सम्राट का भी शत्रु है। तैलप राज, ऐसे भी मत जाइए कि आपके आने का भ्रम ही रह जाए। कभी हमारे लिए भी रुक जाइए। कल से प्रतीक्षा में थी कि आपका सानिध्य मिलेगा। कुछ समय आप हमारे साथ बिताएंगे। जो स्वयं से बातचीत करने की स्थिति में ना हो उसे क्या बात की जाए। आप और आपकी मदिरा, अच्छा साथी चुना है आपने। हमें नहीं लगता कि आपको हमारी आवश्यकता है। हमारे होने
या ना होने से आपको कोई फर्क पड़ता है? अका की अभी तक कोई खबर नहीं, कोई फर्क पड़ा आपको या आपकी मदिरा को? सच कहा आपने, हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो अपने पति की प्रतीक्षा में आंखें बिछे नहीं रहती, बंदी बनकर उनके साथ मालवा में रहती। फर्क पड़ता तो आपकी बहन की मनमानियों को सहन नहीं करती, या फिर उनकी ही तरह पूरे राज परिवार को चिंता और तनाव में डालकर कहीं चली जाती। तैलप राज, आपने कभी ये सोचा है कि हमें मदिरा का सहारा लेना ही क्यों पड़ा? आप इस समय अपने आपे में नहीं हैं। हम आपसे तब बात करेंगे जब आप अपने आपे में होंगी। जाइए जाइए, चले जाइए आप। इस राज परिवार में तो किसी को किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता तो उस नाचने वाले को घर भी जल चुका है, और फिर भी आपने उसको कोसना नहीं छोड़ा, और ना ही ये पता है कि दुर्घटना हुई कैसे। घर? तैलप राज, उसे घर नहीं, कोठा कहते हैं। एक नाचने वाली का कोठा। रही बात दुर्घटना की, तो इस राज्य में जो भी घटना या दुर्घटना घटती है उसके पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ होता है। क्या तात्पर्य है आपका? साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? महारानी, इस तरह अचानक आपके कक्ष में प्रवेश करने के लिए क्षमा चाहूंगी महारानी, लेकिन गुरु विनय आदित्य ने अति आवश्यक कार्य हेतु आप सबको बुलाया है। जाइए। जी। महामानव, तो हमारी राजकुमारी एक बार फिर अफ्रीकी सैनिकों की मदद लेने गई थी। अपमान का प्रतिशोध इसी वजह से उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की थी। राजकुमारी की हिम्मत और शौर्य की प्रशंसा करनी होगी। उन्होंने मालवा और पृथ्वी वल्लभ को पराजित करने का उपाय आखिरकार निकाल ही लिया। आगे की योजनाओं की स्पष्टता मृणाल स्वयं दे तो बेहतर होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.